देखिए, न्यायालय ने पिछली तारीख को राज्य सरकार से ये जवाब दायर करने के लिए कहा था कि क्या राज्य सरकार जो है वो सीटेट को मान्यता दे करके एग्ज़ाम में आगे बढ़ना चाहती है। उस पर राज्य सरकार की ओर से आज एक शपथ पत्र जो आया था उस पर एडवोकेट जनरल के द्वारा सुनवाई की गई और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो भविष्य में जो नियुक्तियाँ होंगी उसके लिए अलग से टेट की परीक्षा लेगी। इस पर वादियों की ओर से या अभ्यर्थियों की ओर से मेरे द्वारा आपत्ति जताई गई और हमने कहा कि यदि लाखों की संख्या में वैसे अभ्यर्थी जिनके लिए राज्य में टेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है लगभग 8 वर्षों से, उनके साथ में घोर अन्याय होगा। और चूंकि ये राज्य सरकार की गलती है कि विगत 8 वर्षों में परीक्षा नहीं कराई गई, इसलिए वैसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना गलत होगा। और अन्य जो जजमेंट्स हैं विभिन्न राज्यों के या हाईकोर्ट्स के, उसका झारखंड की जो नियमावली है जिसमें कहा गया है कि कम से कम एक परीक्षा जो है टेट की अनिवार्यता ली जानी है प्रत्येक वर्ष में, वो सभी का उद्धरण आज किया गया है। और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन करके फैसला सुरक्षित रखा है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर में इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा है? राज्य सरकार की ओर से यही कहा गया कि विगत 8 वर्षों में जो परीक्षाएं हो रही थी उस पर कुछ विवाद थे और उन विवादों की वजह से जो है वो टेट की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके प्रतिवाद में और जवाब में मेरे द्वारा कहा गया कि टेट की परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है और क्वालिफाइंग परीक्षा को न करने के लिए कोई कारण नहीं था। यदि नियुक्ति की परीक्षाएं पूर्व में जो हुई थी उसके संबंध में विवाद भी था तो टेट जैसी क्वालिफाइंग परीक्षा को नहीं कंडक्ट कराने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। और राज्य सरकार ने जो है विगत 8 वर्षों में टेट की परीक्षा नहीं कराई है, तो इस बीच में वैसे सारे अभ्यर्थी जो शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अन्य पात्रताएं रखते हैं परंतु सिर्फ इसलिए कि टेट की परीक्षा वो नहीं दे सके या नहीं पास कर सके, उनको पूरी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना गलत होगा। सो जो भी नियुक्तियां होनी है या भविष्य में होनी है उसके लिए सबसे पहले टेट की परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, अन्यथा सीटेट के अभ्यर्थियों को कम से कम शामिल किया जाना चाहिए था। परंतु चूंकि राज्य सरकार ने कहा कि सीटेट के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में मेरी ओर से समेकित तौर पर पूरे मामले की बहस की गई और आज जो है पूरे मामले की सुनवाई पूरी हुई है और फैसला इसी पे आएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।